हांगकांग, खुशी और अय्याशी की दुनिया की राजधानी, सेलिब्रिटीज का शॉपिंग मॉल, अय्याशी से भी ज्यादा जिंदगी का केयर ऑफ एड्रेस है। कॉल गर्ल्स, मसाज सेंटर्स, कुल मिलाकर स्वर्ग का ये ब्रांच हाउस है। गट्स, हवाला, सट्टा, लड़कियां, मैच फिक्सिंग, टोटल पैकेज माफिया है। यहां जीने के लिए पैसा काफी नहीं है, हाथ में गन भी चाहिए। प्रेजेंट माफिया में डी साउंड से सुनाई देने वाला नाम है डेविड। ये मौत का विजिटिंग कार्ड है, क्राइम का मेन्यू कार्ड, सारे अंडरवर्ल्ड का पासवर्ड है। आंखों के इशारे से सारी कंट्रीज को काबू में कर लेता है। तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड को लाइन मार रहे थे, क्या पसंद है तुम्हें? शी इज नाइस ना? क्या पसंद किया तुमने इसमें? बोलो, शर्माओ मत, बोलो। हाँ, कान में बताओगे? ठीक है, बताओ। हाँ हाँ, बोलो, क्या पसंद किया तुमने? सर सर, इससे अनजाने में हो गया, इसे छोड़ दीजिए प्लीज। तू क्यों परेशान हो रहा है? मैं इसका फ्रेंड हूँ सर, प्लीज प्लीज। फ्रेंड है तेरा? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गेट अप, आई लव फ्रेंडशिप। ए तू जा, बोला ना, जा। फ्रेंडशिप के लिए ये अपनी जान दे सकता है तो इसे जान देनी चाहिए ना। अ ग्रेट फ्रेंडशिप। हेलो, डेविड हैज बीन किडनैप्ड। व्हाट? क्या हुआ पापा? 31 minutes, डेविड किडनैप हुआ, यह खबर लगते ही पूरा वर्ल्ड वाइब्रेट हो चुका है। और मैं कहां हूं यह पता लगाने के लिए तुम्हें हाफ एन आवर लग गया? पापा, मैंने सिंसियरिटी से ट्राई किया है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी सिंसियरिटी क्या है, फादर पे नहीं, फिगर्स पे है सिर्फ। ये क्या कह रहे हैं पापा? एक बार उस तरफ देखो, क्या हुआ, शॉक लग गया? हम लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं है, माफिया को रूल करते हैं। सेकंड्स में प्लान बनना चाहिए, मिनट्स में लागू होना चाहिए और घंटों में रिजल्ट आना चाहिए, वरना दिन महीने सालों आराम से रोते बैठना पड़ेगा। थैंक गॉड पापा, यू आर सेफ। मेरे दो बेटे हैं, एक को आने में आधा घंटा लग गया और दूसरे को आने में 45 मिनट। मतलब पापा, आप किडनैप नहीं हुए थे? किडनैप क्या होता है ये मैं सिखाता हूं, मुझे कौन किडनैप करेगा? दिस इज माई प्ले, मेरे बारे में तुम्हें और तुम्हारे बारे में मुझे पता चले, इसीलिए ये सब किया। मेरे बाद डी कंपनी को आगे बढ़ाने की कैपेसिटी तुम में से किसी में नहीं है, बोथ आर अनफिट। डॉन की पोजीशन डीएनए से नहीं मिलती, माफिया को लीड करने के लिए गन्स और गट्स नहीं चाहिए, सेकंड्स में रिएक्ट होने वाला सेंस चाहिए, हाफ इंच की बुलेट से बचने के लिए शार्पनेस चाहिए, पोजीशन के लिए वो नहीं, पोजीशन उसका वेट करे ऐसा होना चाहिए जिसके पास ये सारी क्वालिटीज हैं और जो अपने गैंग को प्रोटेक्ट करता है, वो सिर्फ एक ही है और वो है भाई। एटमॉस्फेयर खराब होने का मतलब भाई एंटर करने वाला है।
मरने से पहले स्माइल क्यों दे रहे हो? मेरी स्माइल में तेरी मौत को ढूंढने की छोटी सी हिंट दे रहा था बे। मेरे आदमी गन्स लेकर वेट कर रहे हैं यहाँ, तुमने तो बिना हथियार एंट्री किया है यहाँ पर। तुझ जैसे को मारने के लिए हथियार की जरूरत नहीं है, सामने दुश्मन का रहना ही काफी है। पॉइंट ब्लैंक से निशाना तो लगा लिया, लेकिन गन में मैगजीन है कि नहीं देखा? एंथनी, गाली करेगा या तुझे भी ठोक दूं? इसे नए तरीके से मारो, नए तरीके से मारो इसे। ए, इस फील्ड में नया करने वाला सिर्फ मैं ही हूं। एक मिनट में हार्ट बीट 72, पंगा लेगा तो 102, उसके बाद सामने वाले की बॉडी 1/2। बहुत फुर्तीले हो तुम तो। रहना पड़ता है, फील्ड ही ऐसी है। देख इधर, हम दोनों बात कर रहे हैं और मुझे कोई पीछे से मारने की कोशिश कर रहा है। कब तक चौंकता रहेगा बे? चल आगे बढ़। इस माफिया को नया आयाम दिया मैंने, इसलिए हुकूमत भी मेरी होगी। मार डालो साले को। छोड़ना मत इसे। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। दोस्ती के लिए भाई हूं, लेकिन दुश्मनी के लिए गुड बाय। तेरा टाइम अच्छा है, तुझे मारने का वक्त हुआ था तय, लेकिन टाइम हुआ है 6, इसलिए बच गया तू। आज पार्टी होगी। बॉस फाउल। जस्ट अ मिनट। हेलो हेलो डेविड। माफिया वाले की आवाज सुनते ही सामने वाले का दिल घबराना चाहिए। तुम्हारी आवाज में ये डर क्यों झलक रहा है? हैदराबाद में एक नया पुलिस ऑफिसर आया है। आने से क्या होता है, न्यूज तो जाने से बनता है। हमारी गैंग के सारे लोग एक एक करके मारे जा चुके हैं। मस्तान भी मारा गया है डेविड। तुम क्या कर रहे हो, मुंह पे हाथ रख कर बैठे हो क्या? शूट कर दो उसे। वो कौन है, कैसा है, छोटा सा क्लू भी नहीं छोड़ता है। हाँ डेविड, वो अंडरग्राउंड रहकर ही सबको मार रहा है। वो दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसकी गन की आवाज सुनाई देती है। अब हैदराबाद में माफिया नहीं चला पाएंगे ऐसा लग रहा है मुझे।